और ये बाल बाल बचते हुए राहत की सांस लेते हुए यहाँ पर गोलकीपर कामेश्वर लाइनमैन बॉल उसे राहुल की और सब्स्टिट्यूट आउट जर्सी नंबर 8 सब्स्टिट्यूट सम्मानित करना चाहेंगे और ये बहुत ही अच्छा शॉट स्पिन होता हुआ शॉट हेड के माध्यम से लेकिन बचाए पक्ष अपने एरिया से कुछ हद तक साइकोलॉजिकल प्रेशर निकाल चुके हैं लेकिन पुनः एक बार वंस अगेन हक्का सा पुश अपने लेफ्ट आउट के लिए बॉल को बढ़ाते हैं लेकिन लेफ्ट आउट क्या कुछ कर पाते हैं फिर जोर कोशिश बचाए पक्ष अपने एरिया से बॉल को निकालने में हावी होता हुआ जर्सी नंबर 13 पुनः एक बार जर्सी नंबर 10 दुमका के खिलाड़ी राइट आउट साइड बनाने के मूड में फिर जोर कोशिश यहाँ पर संजीव और मरांडी के रूप में और पुनः पांच जैसे नंबर 15 बॉल को ले पाती है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ जबरदस्त शॉट दंदनाता हुआ शॉट लेकिन गोलकीपर चौक करना और बॉल को धकेल दिया लेकिन अपने गोल पोस्ट से बचाए और एक मौका दे बैठे अर्थात कॉर्नर किक का मौका देखना ये होगा शैलेंद्र जी किस नाम से सम्मानित करते हैं यहाँ पर इस कॉर्नर किक को शैलेंद्र जी बिल्कुल और ऐसे मौके में कहीं ना कहीं जिस तरह से शॉट लेने का जरूरत था उस हिसाब से शॉट नहीं लगा पाए नतीजा 1-0 से यहाँ पर पिछड़ना पड़ा है बेहतरीन शॉट के लिए यहाँ पर गोल पोस्ट के करीब लेकिन डिफेंस अभी तो वहां पर अच्छा डिफेंडिंग करते हुए हाँ डिफेंस तो गलती किया है फिर से यहाँ पर मामलों के लिए पूरी तरीके से गेम को अपने जब में करने के बाद टेकल बहुत ही लगा एक बड़ा खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन है प्रकाश और फिर से 14 नंबर का वहां पर थ्रू पास आता हुआ लेकिन गेम पोजिशन हासिल करने में कामयाबी मिली है फिर से यहाँ पर राक्षस सुंदर पहाड़ी अच्छा स्किल दिखाते हुए पास कनेक्शन बहुत ही बढ़िया लेफ्ट आउट के खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ा दिया गया यहां से वापसी गोल लगाने का एक मौका बन सकता है लेकिन अभी तक शॉट लगा नहीं पाया है और फर्स्ट टाइम में और आपकी टीम 1-0 से चल रही है ऐसे हालत में आप जितना ज्यादा वन टच निकलेंगे अपनी टीम के लिए उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि सेकेंड हाफ का जो वक्त है वॉइस का ऐसा अपने राइट आउट के लिए बॉल को बढ़ा देते हेलो ऑपरेटर महोदय और ये बॉल आहिस्ता टैलेंट के करीब अपने साथ खिलाड़ी का मुआयना करते हुए देखना ये होगा कैसा पास दे किस खिलाड़ी को देते अच्छा रणनीति तैयार हो सकता है इसी अंदाज में यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे लेकिन असफल प्रयास गगन चुंबी शॉट के सहारे पुनः बार अपने साथी खिलाड़ी को देने के प्रयास में पुनः बार एफसी बाहर दुमका अपने साथी खिलाड़ी को देने के मूड में राइट आउट के लिए बॉल को बढ़ाना चाहे टिंकू के रूप में टिंकू जिन्होंने कल से आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और अपना बहुत बड़ा योगदान अपनी टीम के लिए रहा है टिंकू का अब तक पुनः एक बार 10 नंबर के दर्शन पर जोर कोशिश सुंदर पाड़ी के खिलाड़ी अपने साथ खिलाड़ी को मुआयना करते हुए अच्छा लग हुआ यहाँ पर पुनः एक बार 10 नंबर के लिए ही फिर जोर कोशिश अपने राइट आउट के लिए बॉल को बढ़ा दिया लेकिन कामेश्वर स्मृति के साथ प्रेजेंट ऑफ पॉइंट के साथ अपने प्लेस से आगे बहुत ही खतरनाक और टिंकू का जिक्र हो रहा था कल मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रह चुके हैं और इसे साथ गायब होता है इसके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है लेकिन फ्लैग वहां पर हवा में उड़ गई है सुनील तुरी का बहुत ही बेहतरीन डिसीजन ऑफ साइड का और राक्षस सुंदर पहाड़ी फिर से पास करने की कोशिश बहुत ही बेहतर हेड के जरिए यहां पर अपने ही क्षेत्र में शॉट हेड लगा दिया है अपने टीम के लिए खतरा बना था पूरी तरीके से नष्ट करता हुआ फिर से यहां पर हेड के जरिए शॉट को ब्लॉक करने के बाद हवा में गेंद महारोधन का टिंकू हेमराम फिर से बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी गेंद को ले लिया है और एक खिलाड़ी को यहाँ पर बीट करने का प्रयास लेकिन अभी तक गेंद को रिलीज नहीं किया है ज्यादा देर तक वहाँ पर गेंद को रख रहे हैं तो विपक्षी खिलाड़ी आसानी के साथ आपको रोक के रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा निकटा फिर से महारो के पास महारो 1-0 की बढ़त बनाकर इस मुकाबले में खेल रही है सुंदर पहाड़ी राक्षो अपने ही क्षेत्र में शॉट लगाने के बाद फिर से सेकेंड हाफ का एक तीसरा कॉर्नर शॉट आता था और मैंने पहले ही कहा कॉर्नर शॉट में और एक बदलाव किया जा रहा है यहाँ पर महारो की तरफ से ही और फिर से लगाएंगे यहाँ पर जिस उम्मीद के साथ इस तरह वहां पर शॉट के लिए भेजा गया है बको भी उस उम्मीद पर तो खड़े उतरे हैं लेकिन अभी भी फायदा नहीं हुई है फिर से यहाँ पर महारो रिकवरी कर दिया वही खिलाड़ी के लिए
होगा नहीं। और यहां पर गोल किक मारने का मौका फिर से राजदोष सुंदर पकड़ के दिया। बहुत ही जीएस में अपने माध्यम से इंडियन सुपर लीग का मुकाबला होगा। आप देख पाए हैं केरला ब्लास्टर निशा एफसी के बीच मुकाबला होगा और आज से शुरू होगा जीएस में नंबर 3 लाइव टेलीकास्ट। आप देख सकते हैं दोनों की स्टार खिलाड़ी के बीच में जाने का प्रयास यहां पर प्रिय देवी के साथ हो किस खिलाड़ी को दें तो अच्छा रणनीति तैयार हो सकता है। इसी अंदाज में क्रॉसिंग करना चाहेंगे लेकिन चकमा दे रहे हैं यहां पर जस्ट आउट लेकिन गोलकीपर का सहारा गैदरिंग